आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पंचवटी में ऐसा सुंदर सत्संग चल रहा है, अपूर्व सत्संग। और अपूर्व किस रूप में है कि राम बैठ जाते हैं, सीता और लक्ष्मण दोनों उनसे अपने मन के प्रश्न रखते हैं, दुविधाएं रखते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं और प्रभु उनके उत्तर देते हैं। राम स्वयं जिन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो वे तो अंतिम उत्तर होंगे, उत्तरों की वो सीमा हो जाती है, उससे आगे फिर कोई उत्तर नहीं हो सकता। सबसे अधिक प्रामाणिक, ऑथेंटिक, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे उत्तर। तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो यही है कि प्रभु कह रहे हैं और इसलिए वे पूर्ण रूपेण सत्य हैं। आपने अभी सुने ही हैं, दो दिन से आप सुन रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार से प्रतिपादित कर रहे हैं ज्ञान को, वैराग्य को, विज्ञान को, भक्ति को, जीवात्मा को, परमात्मा को। सब कुछ उन्होंने कम से कम शब्दों में, गागर में सागर भरकर कह दिया है। और इसी प्रकार से पंचवटी में बैठे सत्संग करते दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा घटा कि उसने सारे घटनाक्रम को ही बदल दिया, सब कुछ बदला गया। एक ऐसा घुमावदार, तीव्र घुमावदार मोड़ आया, जबरदस्त यू टर्न, कि उसने सारी स्थितियों को बदल डाला। क्या था वह? उसी मोड़ पर आइए हम सब चलते हैं, देखते हैं मोड़ पर कौन मिलता है हमें, कौन मिलता है हमें, उसी मोड़ पर चलते हैं। सूपन खा रावण की बहिनी, बता रहे हैं अब तुलसीदास जी की, रावण की बहन सूपनखा, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिने, एक ऐसी भयानक नागिन जिसका दिल पत्थर का, दुष्ट हृदय, पत्थर दिल, जहरीली नागिन रावण की बहन नाम सूपनखा। क्या हुआ? पंचवटी सो गई एक बारा, एक बार वो घूमते फिरते पंचवटी की तरफ निकल आए। स्वेच्छाचारिणी थी, जहाँ जी चाहा वहीं चली जाती थी, पूरा दंडक वन उसके अधिकार क्षेत्र में था, उस जनस्थान की वह स्वामिनी थी, बेरोक टोक जहाँ मर्जी जा सकती थी। पंचवटी आ गई तो देख बिकल भई जुगल कुमारा, पंचवटी में उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी और उन पर दृष्टि पड़ते ही उस पर कामदेव के पंच बाण चल गए, घायल हो गई, बुरी तरह से व्याकुल हो गई, काम वासना से घिर गई, वासना ने व्याकुल कर दिया उसे। राम और लक्ष्मण को देखते ही वह अपनी सुधबुद खो बैठी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकलसक मन ही न रोकी, जिमि रबि मनि द्रव रब ही बिलोकी। कह रहे किस तरह से काम वासना से घिरी हुई थी ये सूपनखा। उसकी काम वासना के लिए तुलसीदास जी जो उदाहरण दे रहे हैं वह अलग ही प्रकार का उदाहरण है। बता रहे हैं कि सूपनखा जैसे वासना से भरी हुई स्त्री किसी भी पुरुष को देख ले, बस उसका सुंदर होना चाहिए, उसके बाद वो भाई है, पुत्र है, पिता है, इससे उससे कोई मतलब नहीं रहता। वे सारी मर्यादाओं को भंग करके उसे भोगना चाहती है, ऐसी
दुष्टा और निर्लज ये राक्षसनी थी शूर्पनखा। होई विकल सक मन ही न रोके, विकल हो गई रोक न सकी स्वयं को। कैसे जिम रविमणि द्रव रभि बिलोके, जैसे सूर्यकांत मणि यदि सूर्य को देख ले तो सूर्य को देखकर पिघलने लग जाती है, इसी प्रकार से यह शूर्पनखा थी। सुंदर पुरुष दिखा नहीं कि पिघली नहीं, बह गई वासना में, ऐसी शूर्पनखा। और देख लिया राम को, लक्ष्मण को, तब तो क्या गति हुई उसकी, क्या दुर्गति हुई उसकी, ये वही जानती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाए, उसने सोचा कि अब मैं अपने इस काम प्रस्ताव को प्रभु राम के सामने निवेदित करूं जाकर। तो उसने अपना रूप सुंदर बनाया और प्रभु के पास पहुंच गई। राक्षसी थी, कुरूप थी, राक्षस तो रहते ही हैं ऐसे। देखा होगा आपने भी कि जब राक्षस दिखाया जाता है या राक्षसी दिखाई जाती है तो कैसी भयानक मुद्रा दिखाई जाती है, ना कोई सौंदर्य का बोध, चेहरे पर भी क्रूरता, देखते ही व्यक्ति डर जाए, तभी तो राक्षसी है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस रूप में गई तो वो तो मुझे पसंद करेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बन संवर के जाऊं, बन ठन के जाऊं। उसने रूप बदला, मायावी शक्तियों की स्वामिनी थी, श्रृंगार किया अपना और सज धज कर प्रभु के पास पहुंच गई। बोली वचन बहुत मुस्काई, वचन बोले उसने जाकर, कैसे बहुत मुस्कुराकर, आकर्षित करना है ना प्रभु को, अपने वश में करना है, तो जाते ही तो डराना धमकाना नहीं करेगी ना। माना राक्षसी है लेकिन उसका दिल आ गया है राम पर, अब डराने धमकाने से प्रेम थोड़ी ना होगा, प्रेम होगा मुस्कुराहट से। तो प्रभु को मुस्कुराकर देखती है और बहुत मुस्कुराकर, ऐसा वैसा भी नहीं मुस्कुरा रही, बहुत मुस्कुरा रही है। और देखकर फिर वचन बोलती है, कहती है उनसे, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, क्या बात है, कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं। क्या बात कही है उसने, स्टाइल देखो उसका, बता दिया है कि अगर कोई पुरुष है तो वो तुम हो, और इस धरती पर कोई सुंदरी है, कोई नारी है तो वो मैं हूँ। अहंकार देखिए, पहला ही वाक्य राम को प्रभावित करने के लिए क्या कहती है, और आगे क्या कहती है, यह संजोग विधि रचा बिचारी, कहती है ये यूं ही नहीं है कि तुम जैसा कोई नहीं और मुझ जैसा कोई नहीं, अरे ये तो संयोग, ये हमारी जो तुम्हारी जोड़ी ये तो विधाता ने बनाई है, विधाता की बनाई जोड़ी है ये मेरी और तुम्हारी, हम दोनों ही अपने आप में अनूठे हैं। मम अनु पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। आगे क्या कहती है राम से कि मम अनुरूप, मेरे अनुकूल, मेरे अनुरूप पुरुष नहीं जग माही, इस संसार में कोई पुरुष है ही नहीं, मैं इतनी सुंदरी हूँ, इतनी सुंदरी हूँ कि मेरे जैसा पुरुष खोजे ना मिला मेरे लिए, अपने जैसा पुरुष बहुत खोजा नहीं मिला। देखूं खोज लोक तिहु नाही, यही नहीं तीनों लोकों में मैं खोज आई हूँ लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो शूर्पनखा की बराबरी कर सके या शूर्पनखा कह सके कि हाँ ये है तेरे लिए, ये तेरे लायक है, कोई पुरुष ही नहीं मिला। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, और इसी वजह से मैं आज तक कुंवारी हूँ, मैंने विवाह ही नहीं किया क्योंकि कोई ऐसा पुरुष मिला ही नहीं जो मेरी टक्कर का हो, मेरी बराबरी का हो, और मिलता भी कैसे, वो तो तुम थे,
तुम मुझे कभी दिखे नहीं तो वो पुरुष मिला नहीं और मैं आज तक तुम्हारी राह में कुंवारी बैठी हूं। पहली झूठ यहां बोले शूर्पणखा ने। विवाहिता थी वो, उसका विवाह हो चुका था, लेकिन राम से कह रही है कि मैंने अभी तक विवाह ही नहीं किया, कुंवारी हूं, तुम जो ना मिले थे आज तक, तुम मेरी बराबरी के हो। मन माना कुछ तुम ही निहारे, एहसान कर रही है अब राम पर, कहती तुम्हें देखा तुम्हें निहारा तो मन कुछ मान गया, ठहर गया। मन ने कहा हाँ ये ठीक है, ये तेरे लिए ठीक है, अब तू ठहर जा, बहुत खोज ली, बहुत मारा मारी कर ली, तो जैसी अपूर्व सुंदरी के लिए आज तक विधाता ने कोई पुरुष ही नहीं रचा था, रचा तो था छिपा दिया था, आज प्रकट हो गया तेरे सामने, यही है वो जिसे तू वरण कर सकती है, जिससे तू विवाह कर सकती है। तो मैंने अपने मन को समझाया, मेरा मन समझ गया और वो ठहर गया। अर्थात प्रभु को कह रही है कि मैं एहसान करूंगी आप पर, अगर आपसे विवाह करूंगी तो, अपने मन को मैंने समझा लिया है। अब प्रभु क्या कहते हैं उसे, सीता ही चित ही कही प्रभु पाता। प्रभु ने सीता की ओर देखा और सीता की ओर देखने के बाद शूर्पणखा की ओर देखा और संकेतों से समझा दिया कि देख मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी साथ में है मेरे, अब बोल। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता, कहती हैं वो सामने मेरा भाई है लक्ष्मण, वो बिना स्त्री के है इस समय, तू उसके पास चली जा, जा उसके पास चली जा, मैं तो विवाहित हूँ, तो मेरे पास तो तेरी बात बनेगी नहीं, भेज दिया लक्ष्मण जी के पास। गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जाना, प्रभु बिलोक बोले मृतुपाने। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये तो शत्रु की बहन है, रावण की बहन है शूर्पणखा, और प्रभु बिलोक फिर प्रभु की ओर देखा, शूर्पणखा की ओर देखा कि प्रभु ने भेजा इसे मेरी तरफ कि जा लक्ष्मण के पास चली जा, किसी कारण से भेजा होगा, और फिर उन्होंने प्रभु की ओर देखा, बहुत कुछ समझ गए। बोले मृत वाणी और मधुर वाणी में लक्ष्मण जी शूर्पणखा से कहते हैं, सुंदरी सम्मान दिया उसे, क्योंकि वो कह रही है कि मैं सुंदरी हूँ, तो लक्ष्मण जी ने भी उसे सम्मान दिया और कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, देख जिन्होंने मेरे पास तुझे भेजा है ना, मैं उनका दास हूँ, गुलाम हूँ, सेवक हूँ, पराधीन नहीं तोर सुपासा, मेरे पास आके तुझे क्या मिलेगा, मैं स्वयं पराधीन हूँ, गुलाम हूँ, बेबस हूँ, परबस हूँ, मेरे पास आके तुझे सुख नहीं मिलेगा, कहाँ सुखी होएगी तू, एक गुलाम की पत्नी होकर तू कहाँ सुख पालेगी बता, कभी कोई पाता है, तू भी दासी बन जाएगी, छोड़ मुझे, कोई अर्थ नहीं मुझे वरण करने का, प्रभु समर्थ, मेरे प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर राजा अयोध्या के राजा हैं ये, जो कुछ करें उन्हीं सब छाजा, वे कुछ भी करें उनको सब शोभा देता है, उन पर सब फबता है, राजा हैं वो, अनेक रानियां रख सकते हैं, तुझे भी रख सकते हैं, मुझे शोभा नहीं देता, उन्हें सब शोभा देता है, तो उनके पास जा, उनसे निवेदन कर फिर से, शायद मान जाए, क्योंकि वो राजा है, मैं तो दास हूँ, अब दासी बनना है तो बात कर। अब शूर्पणखा को कहाँ ये स्वीकार होगा कि वह दासी बने, तो फिर लौटती है राम के पास, राम से प्रार्थना करने, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उसे समझा दिया कि मैं सेवक हूँ,
और आगे उससे कहते हैं फिर और बात शूर्पनखा को समझाते हुए कि सुन, सेवक सुख चाहे मान भिखारे। सेवक यदि सुख चाहे ना, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता सेवक को, क्योंकि सेवक का तो काम ही यही है कि वह स्वामी की सेवा करे, स्वामी को सुख दे, स्वयं दुख उठाकर कष्ट सहकर भी स्वामी को सुख प्रदान करे। तो सेवक के लिए सुख कहाँ, नौकर को कैसा सुख। सेवक यदि सो रहा है और स्वामी कोई इच्छा प्रकट करे तो सेवक ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं तो सो रहा हूँ अभी, बेटा कह सकता है मैं सो रहा हूँ, सेवक नहीं कह सकता। मालिक पुकारेगा, सेवक तत्काल उठकर आएगा कि कहिए स्वामी क्या सेवा है। एकदम, तो सेवक को सुख कहाँ। तो लक्ष्मण जी वही तो बात कह रहे हैं शूर्पनखा को कि मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ, दास की साथ बंधकर तू क्यों दासी होना चाहती है। सेवक के भाग्य में सुख नहीं होता, उसे तो एक आवाज़ पर उठना होता है, दौड़े जाना होता है, तो तू छोड़ दे मुझे, सेवक के पास सुख नहीं है। और चाह मान भिखारी, भिखारी यदि सम्मान चाहे कि उसे सम्मान मिले, भिखारी को कौन सम्मान देता है, भिखारी को सम्मान नहीं मिलता। व्यसनी धन और ऐबों में जो लिप्त हो, जिसे बहुत सारे व्यसन हो, उसके पास धन नहीं रुकता। शुभ गति व्यभिचारी और व्यभिचारी को शुभ गति प्राप्त नहीं होती। लोभी जस चह चार गुमाने, और लोभी व्यक्ति यदि यश चाहे तो उसे यश नहीं मिलता। चह चार गुमाने और अहंकारी व्यक्ति यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों फलों को चाहे तो उसे ये इसी प्रकार नहीं मिलते जिस प्रकार से नव दुही दूध चहत न प्राणी। जैसे कोई प्राणी ये सोचे कि मुझे दूध पीना है, तो दूध पीने के लिए तो गाय को दुहना पड़ेगा ना, और वो आकाश को दुहना शुरू कर दे तो आकाश के दुहने से कहीं दूध मिलता है। तो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं शूर्पनखा को कि मैं तो सेवक हूँ, दास, मेरे पास तुझे सुख नहीं मिलेगा जैसे सुख इन सब लोगों को नहीं मिलता। राम राजा हैं, कौशलपति हैं, उन्हें सब शोभा देता है, तो उनके पास है जा। और भेज दिया शूर्पनखा को फिर से प्रभु राम के पास। पुन फिर राम निकट सो आए, फिर वो मुड़कर फिर से प्रभु राम के पास आ गए। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, बातचीत की राम से, राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेज दिया, चक्कर कटवा दिए बहुत सारे। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही, जो तृण तोरी लाज पर हर ही। अब वो लक्ष्मण के पास आकर रुक गई कि तुम ही मेरा वरण करो। अब तो लक्ष्मण ने उससे क्या कहा कि सुन, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही। लक्ष्मण ने कहा देख, तेरा वरण वही करेगा, तेरी जो काम वासना की इच्छा है उसे तृप्त सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो तृण तोर लाज पर हर हैं, जो लोक लाज को तिनके के समान तोड़कर फेंक दे, यानी जो निर्लज हो जाए, बेशर्म हो जाए, ऐसा बेशर्म और बेहया निर्लज, ऐसा व्यक्ति ही तेरा वरण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब लक्ष्मण जी ने थोड़ा कठोर होकर सीधे सीधे शब्दों में शूर्पनखा को साफ साफ समझा दिया कि देख, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो तुझ जैसी स्त्री के काम निमंत्रण पर हम मोहित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं और उसे स्वीकार कर लें। तेरे लिए तो कोई बेशर्म चित्त चाहिए, निर्लज चित्त चाहिए, तो उसे खोज, तू गलत स्थान पर आ गई है। अब शूर्पनखा का प्रसंग आज यहाँ आरंभ हुआ है तो दो एक बातें मैं बता दूँ, ज़रूरी है जान लेना आपके लिए, क्योंकि इस यात्रा में है अब आप। आपको मैं बहुआयामी कोण दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा, मल्टी डायमेंशनल व्यू,
एक एंगल से नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारे डायमेंशन से मैं आपको हर दृश्य को दिखाऊंगा, जिससे आप हर दिशा से उसे समझ सकें। हर दिशा से, बहुत सारी दिशाएं हैं। एक दिशा तो ये सीधी सीधी सामने सामने वाली थी कि शूर्पनखा काम वासना के वशीभूत होकर राम और लक्ष्मण को प्रस्ताव दे रही है, काम निमंत्रण दे रही है। रघुवंश नाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला जो हनुमान जी लिखवा रहे हैं हमसे, जब उसका छठा खंड पूरा हुआ तो हमने कहा हनुमान जी इसका क्या नाम रखें। हनुमान जी ने कहा इसका नाम रखो शूर्पनखा के राम। हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप हनुमान जी को देखते रहे। वे बोले, यही जानना चाह रहे हो ना कि क्यों हमने बोला शूर्पनखा के राम। हमने कहा आप सब कुछ जानते हैं फिर पूछ क्यों रहे हैं, पता है आपको, वरना हम अभी तक लिख दिए होते। अरे रुके हुए हैं इसीलिए तो रुके हुए हैं कि बताइए जरा ये शूर्पनखा के राम, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है सुनना कि जब हम कहें शबरी के राम, लोग कहते हैं अरे वाह राम तो सचमुच शबरी के हैं। फिर हम बोले अहिल्या के राम, लोग कहेंगे कि हाँ अहिल्या के राम। हम बोले निषाद राज गुहू के राम, केवट के राम, और अगर हम बोले हनुमान के राम तब तो लोग नाचेंगे हरे 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 राम राम राम। क्या बात कही है, बिल्कुल राम तो हैं ही है हनुमान के राम। यही सब सुनना लोगों को कितना अच्छा लगता है। और हनुमान जी आप जो नाम दिए हैं शूर्पनखा के राम, लोगों को बुरा लगेगा सुनकर, बहुत बुरा लगेगा कि राम भला शूर्पनखा के कैसे हुए। तो हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे कि क्या निषाद राज गुहु, केवट, शबरी, अहिल्या और मैं, क्या हम सबके पास ही राम का कॉपीराइट है कि इसके बाहर राम को कोई भज नहीं सकता, पूज नहीं सकता। अरे राम सब कॉपीराइट से बाहर है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, चिंता मत करो। और एक बात बता दें हम तुम्हें, हनुमान जी ने ये रहस्य उद्घाटन किया, बोले शूर्पनखा भी राम की परम भक्त थी। दिखाया उन्होंने वो जो उपन्यास लिखवाया शूर्पनखा के राम, उसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे तड़प रही है शूर्पनखा राम के लिए, चाहे वासना में तड़प रही है। राम को दो भावों से भजा जा सकता है, हनुमान जी ने बताया, उपासना का भाव जिससे सारा संसार भजता है राम को, उपास्य भाव से, दूसरा भाव वासना का भाव, एक उपासना का एक वासना का। शूर्पनखा वासना के भाव से राम को भज रही है, उसकी धमनियों में दौड़ते हुए लहू के अंदर राम गर्मी बनकर दौड़ रहे हैं, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते सिर्फ राम ही राम उसे दिखते हैं, सिर्फ राम ही राम। उस उपन्यास को लिखवाते समय हनुमान जी ने जैसे हमें इस शूर्पनखा के हृदय में ही लाकर बिठा दिया और वहां से हमने देखा राम कैसे दिखते हैं। कभी किसी के लिए कहना हो तो हम क्या कहते हैं कि अपने आप को देखना है तो मेरी नज़रों से देखो ना। तो राम को देखने के लिए शूर्पनखा की नज़रें, शूर्पनखा के हृदय में बैठकर हनुमान जी ने कहा अब देखो राम को, राम कैसे दिखते हैं, कैसे क्या दिखने थे राम। राम पर दिल आना था और कैसा दिखना था। पगलाई हुई है शूर्पनखा हर समय राम के लिए, हर समय। विभीषण के पास जाकर जब विभीषण से बातचीत करती है और रावण से बात करती है राम के बारे में, बाद में जब अपने गुप्तचर से बात करती है, राम के प्रेम को वो कहीं छिपाती नहीं, खुल के ढिंढोरा पीटती है, खुलकर अपने भाई के दुश्मन से बैरी से प्यार करती है तो खुलकर कहती है सबको, निर्भीक होकर, लंका में और कोई भी नहीं है
जो ये कह सके कि मैं राम से प्यार करता हूँ। वो धिक्कारती है विभीषण को जाकर एक जगह, कहती है राम के भक्त हो, है हिम्मत तो बोलो रावण को जाके उसके सामने कि मैं राम का भक्त हूँ, बोल सकते हो? विभीषण की बोलती बंद कर देती है और कहती है लेकिन मैं रावण से कहकर आई हूँ कि मैं राम के बिना नहीं रह सकती, मैं राम से प्रेम करती हूँ, तुम में हिम्मत है तो बोलो। और कहती है वो विभीषण से कि राम से प्रेम करते हो? गए एक बार भी राम से मिलने? पंचवटी में राम बैठे हैं, पंचवटी में दूर नहीं है, और तुम कहती हो मैं राम का भक्त हूं। भक्त हो तो जाके मिल क्यों नहीं आते एक बार भी? वो कहती है विभीषण से कि भक्त नहीं, राम का प्रेमी होना है, भक्त नहीं। भक्त तो दूर दूर रहता है, प्रेमी करीब जाता है। उसने कहा मैं प्रेम करती हूँ राम से, और राम से मिलने भी गई मैं, और राम के हाथों अपने नाक कान भी कटवाया है, फिर भी राम से प्रेम करती हूँ, मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। तो हनुमान जी ने बताया कि राम को अलग अलग रूपों में सब भजते हैं, कोई उपासना से, कोई वासना से। आप क्या समझते हैं कि भगवान कृष्ण को मीरा ही भजती थी, अर्जुन ही भजता था, कंस भी बहुत बड़ा भक्त था भगवान कृष्ण का, बड़े से बड़ा भक्त, ये जितने भक्त अभी बाद में बताए हमने, मीराबाई 8-10 वर्ष की उम्र के बाद कृष्ण के प्रेम में पड़ी, पांडव ये भी सब 10-12 वर्ष की उम्र के बाद कृष्ण के प्रेम में पड़े, लेकिन कंस तो कृष्ण के जन्म से बहुत पहले ही कृष्ण के प्रेम में पड़ गया। हर समय कृष्ण का ही ध्यान, हर समय कब आएगा कृष्ण, कब जन्म होगा कृष्ण का, कब मैं उसे मारूंगा, कब जन्म होगा। जन्म हो गया उसके बाद भी कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, मारा मारा खोजता, न ढंग से खा पाता था, ना सो पाता था, सपने में भी कृष्ण, जागते समय भी कृष्ण। इसे कहते हैं ध्यान, ये है ध्यान। प्रभु पर चाहे शत्रु भाव से ध्यान लगे, स्वामी भाव से लगे, लेकिन ध्यान, पूरा ध्यान। एक क्षण के लिए भी कंस का ध्यान कृष्ण से नहीं हटता था, वह था अनन्य भक्त कृष्ण का, जैसे शूर्पणखा। राम के अतिरिक्त कुछ दिखाई दे, सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया, सारी दुनिया उसके लिए आउट ऑफ फोकस हो गई, फोकस में सिर्फ राम थे। ये बात बिल्कुल अलग है कि वो वासना के भाव से भज रहे थे, क्योंकि राम तो सबका उद्धार करते हैं। दुष्टों को राम बाण के माध्यम से उनका वध करके उन्हें मुक्त करते हैं, और प्रेमियों को अपने हृदय में समाकर उन्हें मुक्त करते हैं, मुक्ति दोनों को देते हैं, दोनों को। शूर्पणखा एक ऐसा पात्र है राम कथा का, जिसके लिए बहुत गहराई से जान लेना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये जो हनुमान जी ने शूर्पणखा के राम उपन्यास का नाम दिया, इसीलिए दिया कि शूर्पणखा के हृदय के माध्यम से भी तो जाके देखो राम कैसे दिखते हैं। आज तक तो राम को सिर्फ भक्तों के माध्यम से ही देखा है। कोई दुष्ट, कोई राक्षस, कोई वासना से भरा हुआ अगर राम को प्रेम करता है तो राम उसकी क्या हालत करते हैं, उसके दिल की, ये नहीं देखेंगे क्या? ये भी तो देखना है। और वह पात्र कोई साधारण पात्र होगा जो राम के सामने खड़ा होकर कह रहा है राम को कि राम मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और वासना वाला प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें वासना की दृष्टि से देख रहा हूँ। ऐसी बात कहने वाली कोई साधारण आत्मा तो नहीं होगी।
कि वह आत्मा जो स्त्री का रूप धरकर राम के पास जाती है और कहती है कि राम, मैं तेरे पास वासना से भर कर आई हूं। साफ कहती है, छुपाती कुछ नहीं है, अपने मन का सारा पाप राम को कह रही है, साफ साफ सारा पाप। और राम सम्मानजनक रूप से उसे लौटाते हैं, लौटाने की बात करते हैं, लक्ष्मण के पास भेज रहे हैं उसे कि वो समझ जाए, थोड़ा इशारों में ही समझ जाए। लक्ष्मण ने भी समझा दिया, लक्ष्मण समझा ही रहा है इशारों में कि मैं तो दास हूँ, तो मुनि के पास जाओ। राम कह रहे हैं मैं विवाहित हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी, इतने से ही समझ जाना चाहिए, लेकिन समझे वह कैसे, वासना के सर्प ने उसे डस लिया है और वो जहर चढ़ गया है वासना का, जो कुछ उसे देखने सुनने ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। तो अब क्या स्थिति होती है, लक्ष्मण जी ने उसे कह दिया है कि तेरा वरण तो वही करेगा जो नीच व्यक्ति होगा, निर्लज्ज होगा, जिसने तिनके के समान अपनी लोक लाज को तोड़कर फेंक दिया है, कठोर होकर कहा है उन्होंने। और अब तक शूर्पणखा भी बहुत खींच चुकी है, इरिटेट हो चुकी है, अब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह जानते हैं, इस जानने की यात्रा पर निकलते हैं। तो देखते हैं कि शूर्पणखा अपने हृदय से राम को कैसे देख रही है, शूर्पणखा के राम कैसे हैं, ये जानना हो तो शूर्पणखा के राम का अध्ययन करना होगा, करना होगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।